नेट दिवाकर चलो भाई फटाफट आ जाओ ये सेंट्रल ट्रेड का लास्ट पेपर है उसको हम डिस्कशन कर दें फिर उसके बाद से आगे की बात करते हैं ठीक तुरंत जुड़ जाओ फटाफट क्योंकि लास्ट पॉइंट है क्योंकि अभी धर्मेंद्र सर जो है प्रैक्टिकल में ही बिजी थे तो आज नहीं आ पाए हैं है ना शेष जितने लोग हैं सेंट्रल डेट वाले संडे की हम क्लास आपके ऑनलाइन पे करवा देंगे बड़ी क्लास करवा देंगे तो जो चीज़ आपके दो दिन नहीं हुई है वो संडे वाले दिन कवर होगी सुबह से क्लास हो जाएगी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक हाँ तो शेष जो है हमने पहले ही बताया था कि जो अन्य लोग नहीं हमारे बैच पर पेड कोर्स पर नहीं है वो लोग जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे इस पर है ना कि भाई हमने कहा था कि आप कुछ ना करो यदि पंद्रह नंबर हमारा सेंट्रल डेट का चाहिए आपको वायरोलॉज जो है वाला। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सीधा सीधा जो है हमारे जितने भी पेपर सेट हम करा चुके हैं सब वो पेपर सेट ही देख लो तो तुम्हारा लगभग आंसर क्या हो जाएगा भाई कर ले जाओगे करीब पंद्रह क्वेश्चन होते हैं तो आप लगभग बारह तेरह क्वेश्चन आसानी से कर लोगे यदि साइंस से पढ़ोगे तो सब लगभग क्वेश्चन कर लोगों कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको हमने काफी डिटेल से समझाया था ठीक चलिए शुरुआत कर देते हैं सेट नंबर कौन सा भाई जे जे पी ठीक तो देखिए क्या है दो का पेपर सेट है पहले का हमने उल्टा पढ़ा दिया था तो दो का पेपर सेट है जेपीआई उसका सीरीज है बात में आ गई तो 2013 का है लास्ट पेपर सीरीज है और लगभग हमने सारे पेपर सीरीज यहाँ पे करा दिया है ठीक हाँ तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अब आपको हम लेके चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ और अंतिम पेपर सेट है ये मंडे को हमारी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तो जो अन्य चीज़ें वो पढ़वा दी जाएंगी ठीक चलिए अच्छा था भी नहीं कोई दिक्कत नहीं तेरा वाला तो उनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं चलो करा देते हैं भाई तो बहुत आसान है इसको हम क्लियर करते हैं देखिए इसमें क्या मामला है तो चलिए देखिए दिख रहा है समझ में पढ़ने में आ रहा है आ रहा होगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो समझने में और पढ़ने में आ रहा हो तो आगे के पॉइंट हम कवर करते हैं ना चलिए हाँ ये कहें जो है मोहिनी राहुल करी दो हज़ार चौदह से तो शुरू ही है पेपर सडक्ट दो हज़ार चौदह से दो हज़ार चौदह से सेंड्रल डेट होता है सेंट्रल डेट वो पहले से रहा भाई चलो ध्यान दो 2011 में तो टीटी -टी हो गया था देखिए तो क्वेश्चन आया है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में ध्यान रखना इनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था अब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सीधा-सीधा घुमा भी दिया जा घुमाया भी जा सकता है यह भी कह सकते हैं कि रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कम मिला था या रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था इससे रिलेटेड दो और एडिशनल क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको क्लियर करना है बात समझ आ गई तो रोनाल्ड रोज की यदि बात करोगे तो दो एंगल के क्वेश्चन यहाँ छिपे हैं एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो है मलेरिया का पता लगाने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला उन्नीस एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रोनाल्ड रोज को क्यों दिया गया नोबेल पुरस्कार इसका आंसर होगा मलेरिया के परजीवी का पता लगाने के कारण अच्छा पेपर सिर्फ दो हजार चौदह से, से दिया है कोई दिक्कत नहीं तो हमने एक तुम्हें पेपर बता दिए पुराना पेपर हमने इसको डाउनलोड करा लिया होगा है मका दिक्कत अब ध्यान दो तो अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर सीधा सीधा पॉइंट आया तो अब दो क्वेश्चन आपको समझ में आए जो अभी हमने बताए दो जो क्वेश्चन बताए वो क्या हमने बताए तो हमने बताए कि रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया 1902 में रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया तो मलेरिया के परजीवी का पता लगाने के कारण रोनाल्ड रोस कहाँ के हैं तो आप बता सकते हो ये हैं यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके के हालांकि पैदा तो उत्तराखंड में हुए थे रोनाल्ड रोस जो है पैदा कहाँ हुए थे भाई उत्तराखंड में हुए थे लेकिन का जो जो है नागरिकता इनके पास है सिटीजनशिप है वो आप यदि बताओगे तो कथा बताओगे क्या भाई यूके ठीक सतेंद्र बहना वाले पूछ रहे हैं किसका पेपर है ये पेपर जो है सेंट्रल टेट वालों के ईवीएस का है क्लियर रहेगा अभी थोड़े देर के बाद आठ बजे जो है हम पढ़ाएंगे हाँ तो आठ बजे आज हम थोड़ा सा आईएनसी पढ़ाएंगे हालांकि है तो पॉलिटी का टर्न लेकिन आज, साइस जो क्या नाम है हमारे पेड कोर्स वाले बच्चों का है लेकिन अभी तो कि देख रहे हैं कि भाई कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एन टी पी सी में जो है मॉडर्न के तो अभी हम पढ़ाएंगे उसको लेकिन कब अभी आठ बजे आएंगे हिस्ट्री लेकर के तो जो लोग एन टी पी सी वाले हों आठ बजे से मिलेंगे शेष अभी जो हम पेपर पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा रहे हैं कौन सा तो ये हम पेपर अभी दे रहे हैं ईवीएस सेंट्रल टेट है ना ध्यान दीजिए तो बात आ रही थी तो अब हमें आप कई सारे पॉइंट आपको क्लियर करने वाले हैं इसका आंसर हुआ रोनाल्ड रोस रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार मिला 2002 में क्यों मिला तो मलेरिया के प्रजीवी की खोज के कारण मिला ये आपका आंसर है ना ये आपका आंसर हो जाएगा अब यहां पर यदि देखा तो चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन को आप लोग जानते हो कि इन्होंने काय का सिद्धांत दिया था भाई तो इन्होंने उत्तर जीविता का सिद्धांत दिया था किसने भाई चार्ल्स डार्विन ने तो इनको आप लोग जानते हो कि चार्ल्स डार्विन का संबंध किससे है उत्तर जीविता के सिद्धांत से है और ग्रेगर जॉन मेंडल आप लोग जानते हो कि इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में मिल सकते हैं कि सेंट्रल ट्रेट वालों के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल इंपॉर्टेंट है और ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है इन्होंने दो अलग अलग प्रजाति के मटर लाए और उनमें कराया क्रॉस और फिर जो तीसरा मटर पैदा हुआ इन्होंने कहा कि ये होगा श्रेष्ठ तो इन्होंने कहा था कि जब अलग अलग प्रजातियों के समय नहीं जब अलग अलग प्रजातियों के क्या किए जाते हैं भाई अलग अलग प्रजातियों के जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो जो तीसरा प्रोडक्ट पैदा होता है वो क्या होता है श्रेष्ठ किस्म का होता है ठीक ये आपको क्या करना है भाई ध्यान रखना है तो इसमें आप आसानी से क्लियर कर सकते इसको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है अब यदि मान लीजिए बात आती है तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर ग्रेगर जान मंडल को याद रखिए अनुवांशिकी का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने जो क्रॉस कराया था है ना इसके लिए हमने कई सारे पॉइंट एग्जाम्पल दिए थे ऑफलाइन आप पर आपको भी एग्जाम्पल दे दें जैसे घटोत्कच का हमने एग्जाम्पल दिया था तो जो घटोत्कच था भीम और हिडिम्बा से पैदा हुआ था भीम भी ताकतवर हिडिम्बा भी ताकतवर और घटोत्क पैदा हुआ इन दोनों से ताकतवर वास्म नहीं तो इन दोनों से ता, जो है ताकतवर हो गया था कौन घटोत् घटोत्क और एक और राक्षसी से पैदा हुआ था कौन बरबरी वो और क्या था ताकतवर था तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं सा जो है दोनों जो अलग अलग प्रजातियों से पैदा होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं इसीलिए हमारे यहाँ शादी विवाह का जो मामला है कहा गया कि अलग 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 जलवायु के मध्य के जीव लोगों के मध्य में शादी विवाह कराया जाना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि जो है जो अगली संतान आएगी जो अगली पीढ़ियां आएंगी वो बुद्धि में अन्य चीजों में क्या हो जाएंगी श्रेष्ठ हो जाएंगी आएगा नहीं सबको तो ये आपको क्या करना होता है भाई ध्यान रखना होता है क्लियर हो गया अच्छा भाई अब यदि बात करें तो आपको रोनाल्ड रोज समझ में आ गए ग्रेगर जॉन मेंडल समझ समझ में में आ आ गए गए चार्ल्स डार्विन भी जॉर्ज मिनिस्ट्रल का कोई जरूरत यहाँ पर आपको पढ़ने वाला नहीं है चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं क्वेश्चन सीरीज पर और अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कौन सा भाई सिक्सटी टू नंबर का क्वेश्चन है है ना और ये थोड़ा सा लगभग सभी लोग बता ले जाओगे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कई बार हमने इसको समझाया भी है ऑफलाइन वालों को है ना तो यहां पर भी समझा देंगे लिखा है कि रतन रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है मैं कप कपी बुखार सिरदर्द और आ जो है आंत में आ, अंत में पसीना आने के चक्र चक्र से गुजरता हूं रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कडवी दवाई दी रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है तो यहां पर बीमारियों की बात हो रही ठीक तो ये आपको ध्यान रखना है अगले पॉइंट को देखना है और यहां लिखना देखना है क्या है तो रजत ने अपने मित्र से बात करी तो बुखार आ रहा है किसके साथ कपकपी के साथ, कप कपी के साथ? किसके साथ आ रहा है कप कपी आ रही ठंड लग रही बुखार आ रहा है ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि कौन सा रोग होता है मलेरिया होता है कौन सा होता है भाई मलेरिया होता है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक मियादी बुखार अतिसार या हैजा का संबंध किसी तरीके से इस जो घटना दी गई है इससे लेना देना उसका नहीं है पेज नंबर का कोई मतलब नहीं है ये तुम लोगों के पास नहीं है दो का है दो का पेपर सेट है और शायद आप लोगों के पास शायद आप लोगों के पास ये नहीं है बस यहाँ से आप कवर करिए इसको <coughs> चलो भाई तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं पूरी बात समझाते हैं सेंट्रल ट्रेड पर मच्छरों से होने वाले जो है ठीक काम आएगा सर हाँ तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा आपको हम बता रहे हैं और क्या बताने वाले हैं कि जो मलेरिया है <coughs> मच्छरों से जो रोग होते हैं कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो सिंपल से आपको हम बताते हैं क्या भाई <coughs> सिंपल तरीका आपको ये बताते हैं मच्छर वाले पॉइंट पर तो कवर करिए शब्दों को समझिए कि जब पानी रुकेगा पानी ठहरेगा तो वहां पर लार्वा पनपेगा लार्वा पनपेगा तो मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपेंगे तो मच्छर से होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया फाइलेरिया इंसेफलाइटिस या जापानी बुखार डेंगू चिकनगुनिया होगा मच्छर से बचाव के लिए केरोसिन का आयल उस पर डाल दिया जाता है ताकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क ना हो सके लार्वा का और लार्वा क्या हो जाता है भाई मर जाता है बाद आ गई ये आपको ध्यान रखना होता है ये सीधे सीधे पॉइंट है इसको याद रखना है ठीक मलेरिया का मलेरिया की पहचान हो गई कपकपी ठंड के साथ बुखार मलेरिया का उपचार होता है किससे सिंकोना की छाल से निर्मित दवा से यह भी किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता भाई? सकता भाई टकरा है आने वाले पेपर में क्लियर हो गया भाई तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब अगले पोर्सन की तरफ ले चलना है भाई अब यहां लिखा है अलबिरूनी कौन था अलबरूनी हालांकि अलबिरूनी लिखा है यहां पर लेकिन ये जो मामला है वो क्या है अलबरूनी का है एक इसका पता नहीं क्या बी डी और क्लास लेंगे क्या ध्यान दीजिए बात करें तो अगला पॉइंट अलबरूनी के विषय में पूछा गया कभी इसमें अलबरूनी गांधी जी डांडी यात्रा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इतिहास का टच है ये तो यहाँ बात आ रही किसकी भाई अलबरूनी का तो पहले तो ये ध्यान दो अलबरूनी जो इतिहास जानते हैं अलबरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद इब्न ए अहमद अबू रेहान इब्न ए अहमद ये इसका पूरा नाम है फिलहाल यहाँ पर आपको देखना अलबरूनी को अलबरूनी भारत में आता है किसके साथ आता है महमूद गजनबी के साथ भारत ये, आता है महमूद गजनबी से भारत लेकर के आया हुआ था इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था क्या भाई किताब उल किताब उल हिंद तहकीकात ये हिंद तो किताबुल हिंद है या तहकीकात ए हिंद है यह आपको ध्यान रखना है क्लियर रहेगा उसी को भारत का भूगोल भी कहते हैं तो इस तरह के आसानी सा से आप बता सकते हो अब पूरी बात समझो लिखा हुआ एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया पहली बात तो वो सुल्तान नहीं एक लेखक है तो इसका मतलब ये पहला ही गलत है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेओ के बाजार का अध्ययन करने आया था बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने अभी बताया कि वो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था व्यापारी नहीं लेखक था बात समा गई अब इसके बाद से देखा जाए तो यहां लिखा कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है ठीक अब यहाँ पर कुछ हद तक ये ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि वो पैदा उज्बेकिस्तान में ही हुआ था बासमा गई तो वह उज्बेकिस्तान का एक का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने आ, में सहायक है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करी थी ये भी बिल्कुल गलत है इन सभी ऑप्शनों में जो सही आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो हालांकि देखा जाए तो यात्री के बजाय वो आया था किसके साथ लेखक के रूप में आया था और महमूद गजनबी के साथ आया था लेकिन जो फैक्ट दिया हुए दिया हुआ है उसके अनुसार आपका यही आंसर सही है क्लियर आएगा सबको ठीक यदि देखा जाए तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये इससे ज्यादा यहां पर क्वेश्चन नहीं आता है रात में जगने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं ये कई बार तुम लोग बता चुके हैं और जितने लोगों ने इसको पढ़ा होगा वो आसानी से इसको बता चुक, बता सकते हैं भाई कि रात्रि में रात्रि रात में जगने वाले जानवर किसी भी चीज को दो रंग में दिखते हैं और दो रंग कौन होता है भाई तो वो है केवल काला और क्या सफेद तो काला और सफेद देख सकते हैं कौन भाई रात्रि चर जो भी जीव होते हैं अरे आप भी ज्यादा रंग नहीं देख सकते हो भाई आपको भी यदि कहा जाए तो रात में भी आ, आपको भी दो रंग ही रंग दिखाई देते हैं या तो व्हाइट ज्यादा होगा तो आपको पहचान में आ जाएगी कोई चीज आ रही है लेकिन इसके अलावा तुम्हें तो कोई रंग नहीं समझ में आएगा इसके अलावा तो सब तुम्हें तो काला ही काला क्या होता भाई दिखता है इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक तो ये आपको समझ में आ गई भाई तो यहाँ पर जानवर जो होते हैं चीज़ों को कैसे देखते हैं तो कह सकते हो सफेद और काले रंग में देखते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आसान है पहले भी बता चुके हैं और आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन होता है देखने वाले सुनने वाले है ना तो देखने वाले जीव सुनने वाले जीव सुखने वाले जीव इन सभी से क्वेश्चन आता है और इन सभी चीज़ों को हम बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो को जरा रिपीट कर लीजिएगा तो ये बातें और आसानी से आपको क्या हो जाएंगी भाई समझ में आ जाएंगी ठीक अब देखिए अब यहां पर लिखा है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए अब ये हाथी झुंड हम पढ़ा हाँ चुके हैं तुम लोगों को क्या कर चुके हैं भाई ये हाथियों का जो झुंड वाला कॉन्सेप्ट है ये हम आपको पहले ही पढ़ा हाँ चुके हैं फिर भी यहां पर रिपीट करते हैं भाई देखिए है, हाथियों के झुंड की बात हो रही हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और चौदह से पंद्रह वर्ष के बच्चे ही रहते हैं नहीं तो ये एक तरह से सही आंसर है क्योंकि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें मादाएं और उनके बच्चे रहते हैं उनकी मादाएं तथा तो उनके भाई जो मादाएं होती हैं और उनके बच्चे रहते हैं चौदह से पंद्रह वर्ष के बच्चे ही रहते हैं ठीक है वासुमा गई तो ये कुछ हद तक आपको सही दिख रहा हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं ये कहीं ना कहीं ये गलत दिख रहा है कि झुंड में एक ही परिवार के सदस्य की बात नहीं कर सकते आप बात गई अगला कौन है झुंड की सबसे बुजुर्ग ही पूरे झुंड की नेता होती है ये भी बात खैर सही है एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है नहीं देखिए ये बिल्कुल गलत आपको दिख रहा है और इसके अलावा यदि देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा है कौन सा ये वाला गलत दिख रहा है ए और सी का यही ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो दो नंबर पे दिख रहा है ए और सी यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर सही हो जाएगा देखो हाथी के झुंड की पूरी कहानी बता दे तो हाथियों के झुंड की यदि खास बात करोगे तो लगभग उनके झुंड में हाथियों का झुंड दस से बारह हाथियों का समूह होता है उसमें सबसे बुजुर्ग हाथी उसका नेतृत्व तो करती है इस झुंड में मादाएं और उनके बच्चे होते हैं जो नर भी हो सकते हैं और मादाएं भी हो सकती हैं और चौदह से पंद्रह वर्ष की अवस्था में जो नर हाथी होता है वो झुंड को छोड़ देता है ये हाथी की बात है हाथी अपने शरीर पर धूल और जल को उछालता रहता है वो गदले पानी में रहता है एक गदले पानी में रहता है क्यों क्योंकि उसे अत्यधिक गर्मी लगती है उसे अपना कान उस वो जो है पंखे के रूप में क्या करता है प्रयोग करता है इतनी सारी बातें आपको याद होना चाहिए इससे ज्यादा हाँ पर कुछ नहीं है देखता से ये भी से जाएगा भाई खत्म हो जाएगा <coughs> चलिए अब इसके बाद से हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट दिख रहा है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं इसका कारण क्या है उड़ सकते हैं पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती पक्षियों की आंख छोटी होती है उसके कान पंखों से ढके होते हैं तो वो गर्दन घुमा रहा है जैसे पक्षी आपने देखा होगा थोड़ा मेरा जानते हो थोड़ा गड़बड़ है नहीं तो हम तुम तुम्हें तुम सही से बताते जैसे मान लो जैसे पक्षी बैठा होता है उसकी आंख इधर और इधर होती है तो आंख की खास बात तुम्हें बता दें पक्षी की जो आंख होती है वो दो अलग अलग दोनों दिशाओं में होती है वो एक ही समय में अलग अलग चीजों को क्या कर सकता है भाई देख एक ही समय में अलग अलग चीजों को देख सकता है वो दूसरी खास बात जब वो सामने देखता है तो केवल एक ही चीज को फोकस कर रहा होता है अब पक्षी बार बार गर्दन क्यों घुमा रहा भाई ऐसे ऐसे देखिएगा पक्षी हमेशा गर्दन घुमाता है इसलिए घुमाता है क्योंकि उसकी आंख की पुतली स्थिर होती है अर्थात उसकी आंख स्थिर होती है तो चीजों पर फोकस करने के लिए एक बार ऐसे अकबर ऐसे वो करता रहता है ताकि वो चीजों को आसानी से क्या कर सके पहचान सके पक्षियों से क्वेश्चन आप लोग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पक्षी के पंजे पक्षी की चोट चोंच पक्षी की आंख पक्षी के जो है पंजे चोंच आंख और कान और पक्षी के आवाज और इन सभी को सेक्शनों से क्वेश्चन आते हैं और इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है तो ये ध्यान रखिएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती वो स्थिर होती है इसलिए वो अपने आंख को बार बार अपने गर्दन को घुमाता रहता है उल्लू अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है लगभग पीछे घुमा सकता है लेकिन मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती ऐसे और ऐसे तुम लोग को हमने बताया था इसको याद करने का तरीका और क्या बताया था गाना सुनाया था तुम लोगों को कौन सा वाला वही वाला जान होगा कि जैसे गाना चलेगा मान लो कि तू मेरी मैना मैं तेरा तोता वाला गाना चलेगा तो तू मेरी मैना और मैं तेरा तोता जब ऐसे बोलोगे तो बार बार डांस की जो मुद्रा होगी यही होगी तो गर्दन झटके से पीछे जाएगी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हाँ तो ये आसानी से बता सकते हो अब इसमें सही आंसर है पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती तो ये क्लियर हो गया भाई अगले पॉइंट की तरफ ले चलते हैं आपको लिखा है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके शब्दों पर ध्यान देना निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए भाई तो ये इन्होंने पूछने की कोशिश करी ठीक तो इन्होंने क्या किया भाई इन्होंने पूछने की कोशिश करी है तो इसको आपको ध्यान देना है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसने उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोगी को आयरन की कमी मतलब सीधा सा है एनीमिया रोग की बात हो रही काय की बात हो रही भाई एनीमिया रोग की बात हो रही आपके शरीर में यदि आयरन की कमी है मतलब आप एनीमिया से ग्रसित हैं अर्थात आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है अर्थात इसी बीमारी को अरक्तता भी बोला जाता है क्या बोला जाता है भाई इसी को अरक्तता भी बोला जाता है आपको ध्यान रखना क्लियर हो गया एनीमिया को दूर करने के लिए आरक्तता को दूर करने के लिए आयरन की कमी को पूर्ण करने के लिए आपको गुड़ आंवला और पालक हरी पत्तेदार सब्जियों की जरूरत पड़ेगी इतनी बात पहले समझ में आई कि नहीं आई हां ध्यान दीजिए तो अब यहां पर लिखा होगा कोई ऑप्शन देखिए कहीं लिखा है आंवला वाला तो आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा पालक वाला होता तो पालक भी सही होता तो आंवला है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और गुड़ है इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं क्या बताते हैं भाई बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं अंकित कुमार सिंह हर हर हिंदुज हिंदुज्म ही गया है ठीक तो यहाँ हिंदुज्म ना बनाओ यहाँ पढ़ने के लिए आओ हिंदुज्म जहाँ है वहाँ पर है समझ आया तुम्हें शायद ज्ञान नहीं होगा हिंदुज्म क्या होता है हिंदुज, हिंदुज्म जो है प्राचीन काल से लेके अभी तक अपने स्थान पे बना हुआ है बात समा गई तो इस चीज को आप ध्यान रखिए परेशान ना होइए ये।, ये पढ़ना हो तो यहाँ रुकिए और नहीं तो फिर हिंदुज्म वाला मामला अभी दूसरे चैनलों पे जाकर बात करिए अंकित कुमार सिंह यहाँ केवल पढ़ाई से मतलब रखिए है।, है ना हिंदुज्म और हिंदुस्तान हिंदु, हिंदुज्म की परिभाषा आपको अभी क्लियर नहीं होगी ये ध्यान रखिए बात समय आ गई तो जब हिंदुज्म चर्चा करना हो तो अलग से बात करिएगा अभी क्लास चल रही है चुपचाप पढ़ने पर ध्यान दीजिए नहीं तो हो सकता है कि अभी आपको रिमूव करा दें चलिए तो बात करते हैं भाई क्या भाई आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ हमने कहा था कि कैसे पहचान करोगे हमने कहा था कि कैसे पहचान करोगे कि किसमें क्या होता है आयरन होता है तो कैसे पहचान करोगे कि किसमें आयरन होता है तो सिंपल सी बात है इसको आसान तरीका बताते हैं जिस जिसमें जिसमें आयरन होता है वो काला हो जाता है तो जिसमें आयरन होता है वो क्या हो जाता है भाई काला हो जाता है और जिसमें जाता है वो लाल हो जाता है गुड़ देखिए काला हो जाता है आंवला देखिए काला हो जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां रख दीजिए सड़ जाए सूख जाए काली हो जाती मतलब इसमें आयरन है तो आयरन प्राप्त करिए किससे आवना हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ से ठीक अच्छा पैंसठ साढ़े चला गया हाथी तो बताया था हमने इसके बाद कौन सा क्वेश्चन गया भाई पैंसठ अच्छा ये वाला चलो अभी बता देते हैं भाग कहां जा रहा है ये चलो ठीक तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है जो है लिखा हुआ है अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ सिंपल सी बात है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं भाई तो ये तो बहुत आसान है आप इसे बता सकते हो देखो मूलांकुर बर्तिकाग्र पराग परागकोश वो सब क्या होते हैं तो बहुत आसान है ठीक तो इसके लिए भाई इसमें क्या बोलते हैं इसको क्या बोल सकते हैं इसको क्या इसका आंसर हो सकता है भाई हाँ तो ये जो होता है एंथर पोलन ये क्या होता है भाई तो एक तरीके से वो पराग होते हैं क्या होते हैं भाई पराग होते हैं पाउडर के तरीके से वो क्या होते हैं उस पर लगे रहते हैं आपने देखा होगा जब भी फूल देखते हैं तो उस पर छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखती हैं उसके आधार पर इसका आंसर आप क्या कर सकते हो भाई दे सकते हो बासुम आगे सबको इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ये फूल पत्ती वाला पोर्शन है उसे कई बार पूछा जाता है पराग कोश क्या होता है तो पराग कोश जो उसमें आपको पूरी संरचना लंबी डंडी से दिखती है बास्मयिक नहीं उस संरचना पर अलग अलग जो लगे रहते हैं वो हो जाते हैं पराग और जिसपे पराग लगता है वो पराग कोश कह सकते हो वर्ती काग्र मूलांकर ये मूलांकुर ये सब फूलों की अलग अलग क्या है पार्ट के विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है इतनी बात बासुम आगे सबको ठीक चलो अब यदि हम लोग बात करें तो अगले पॉइंट को देख लो भाई यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे ये तो बता चुके भाई अहमदाबाद खान पान बताया था आपको हमने और क्या बताया था भाई तो बहुत आसान बताया था खान पान में और क्या बताया था हमने तो हमने आपको बताया था यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर तो अहमदाबाद की बात कर रहा है अहमदाबाद में हमने बताया था ढोकला चटनी नींबू चावल तो ढोकला चटनी नींबू चावल बराबर कहां भाई तो ढोकला चटनी नींबू चावल बराबर ये अहमदाबाद में जबकि पूरी साग ठंडा दूध पूरी साग ठंडा दूध बटाटा बड़ा ये मिलेगा बलसाड़ वो भी गुजरात में है तुम लोगों को और बताया था हमने क्या भाई इडली बड़ा मिलेगा उड़ीपी जिला में कर्नाटक में और नारियल में तली हुई मछली मिल जाएगी गोवा में टेपियो का मिल जाएगा केरल में पूरन पोली मिल जाएगा महाराष्ट्र में और सरसों के तेल में मछली मिलेगी जम्मू कश्मीर में कहवा जो चाय है वो भी मिलेगा जम्मू कश्मीर में ये बता चुके हैं सब कुछ बता चुके हैं तुम लोगों को बस ये है कि आपने उसे कितने ध्यान से पढ़ा है क्लियर हो गया चलो अब आगे देखो भाई अड़सठ हमने बता ही दिया था और उसके बाद ये भी हमने आपको बता ही दिया था उनहत्तर वाला अब इसके बाद देखिए ये पाठ्य चर्चा आप लोग जानते हो कि हमारे एंगल का क्वेश्चन नहीं होता है ये धर्मेंद्र सर इसको डिस्कशन में डालते हैं उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ ये भी नहीं है हमारा प्रयोगशीलता खोजना जांचना ये सब जो है पैडोलॉजी वाला पोर्सन है इसके बाद सामाजिक ये भी हमारा नहीं है पैडोलॉजी में आ जाइए नीचे लोग कुछ क्रियाकलाप है अच्छा इस शायद ये हमारे सेक्शन का है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है ये हमारे सेक्शन का क्वेश्चन है इन्होंने कहा है कि नीचे कुछ है ना नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं है ना ये कुछ नीचे क्या दिए गए भाई क्रियाकलाप दिए गए हैं तो ये पूछने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कौन से क्रियाकलाप ये हैं लिखा है इनमें से इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? देखो खानों का उत्खनन खुदाई करना तो सिंपल सी बात है यदि खुदाई हो रही है खानों का उत्खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा भाई वन की कटाई हो सकती लेकिन एक चीज यहाँ पर डाउट आपको क्लियर भी कर सकता है भाई खानों का खनन की बात हो रही तो खान उत्खनित किए जा रहे हैं और ऐसे तो भाई जब देखा जाता है तो जो भी खान है ये जो हमारे जंगली एरिया है वहां पर ये दिखाई देते हैं उससे भी क्लियर कर सकते हो बांधों का निर्माण बांध निर्माण यहां पर दिख रहा भाई तो बांध का निर्माण करोगे तो कहीं ना कहीं आसपास के जंगल पर उसका प्रभाव क्या होगा भाई पड़ेगा फिर कह रहे हैं बाजार में बेचने के लिए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना इससे जंगल को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे पत्तियाँ इकट्ठी की जा रही हैं जड़ी बूटी का इकट्ठा की जा रही है तो इसमें कोई टेंशन होने की ज़रूरत तो नहीं है गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना इससे भी जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है बात सुनाई गई बांस से टोकरी बुनना बांस से टोकरी बुनना अब यहां पर आपको देखिए बांस से टोकरी बुन रहे हैं तो जंगल को तो नहीं काट के बांस बना लेते हैं भाई तो दर एक तरह से देखें पहले ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे यहाँ लिखा A, B, C, D, e, है ए बी सी डी तथा ई सब जिम्मेदार है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है तो देखिए गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना मतलब ई बिल्कुल नहीं है और ई एक जगह ऑप्शन में है चार नंबर बिल्कुल गलत इसके बाद इन्होंने लिखा बांस से टोकरी बुनना और इसके अलावा लिखा बाजार बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी तो मतलब जहां सी है वो भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता तो ना इसका तीन सही हो सकता और ना ही चार सही हो सकता अब यहां देखना केवल ए लिखा है केवल ए तथा बी दोनों लिखा है तो अब यहां ध्यान दीजिए ए में हमने कहा खनन उत्खनन होगा तो बन जा सकते हैं बांधों का निर्माण होगा बन जा सकते हैं अर्थात इसका सही आंसर होगा ए तथा बी अब याद करने के लिए ध्यान दीजिए बाजार में बेचने के लिए पत्ती और जड़ी बूटी जड़ी बूटी इकट्ठा करते हो कोई नुकसान नहीं है जंगल पर पत्ती उठा रहे हो जड़ी बूटी उठा रहे हो कोई दिक्कत नहीं बांस से टोकरी हमने बताई दिया कि उसका जंगल पर कोई प्रभाव आपका पड़ेगा नहीं क्योंकि बांस हम लोग इसी आधार पर लगाते हैं ताकि हम टोकरी बूंद सके और गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना है बंधना बन ही तोड़ के पत्तल बन रहा है तो इस आधार पर ए और बी दो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे भाई आंसर सही हो जाएंगे इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई समझ में आ गई बातें हाँ अब देखो भाई कासे के बारे में सही कथन चुनिए इस इसपे भी हम बहुत सारी चीजें बता चुके हैं कि कांसे के बारे में क्या जानना है नहीं जानना तो ध्यान दो कांसा एक मिश्र धातु है पहली बात क्योंकि कांसे का निर्माण किससे किया जाता है तामा और टीन जब मिलाया जाता है तो कांसे का निर्माण होता है और कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ चला आ रहा है ही से नहीं कांसा कब से सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है मतलब कहा जाए तो ये परंपरागत धातु है मतलब कहा जाए तो मतलब कहा जाए तो ये परंपरागत धातु है और मतलब कहा जाए तो ये हमारे पूर्वजों हमारी जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की बात ही एक तत्व है बिल्कुल नहीं है अभी बताया वो मिश्र जाएगा मिश्र धातु कहें मिश्र तत्व की बात करें तो, तो बोल सकते तो स्वतंत्र नहीं हो सकता कांसे को तामा तथा टीन से पिघला कर तैयार किया जाता है ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये पिघला के तैयार किया जाता है क्योंकि जब तक पिघलाओगे नहीं तब तक मिलेंगे नहीं कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती मजबूत है और इसीलिए आप देखिएगा जैसे मूर्तियों का निर्माण कांसे से किया जाता है यह आप लोग जानते ही हो कई बार जो तोप ओप का जो अगला सिरा होता है पिछला सिरा होता है पकड़ होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है मजबूत है कांसे के बर्तन एलमुनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं यहाँ पर एक गलती इन्होंने करी है कांसे के बर्तन एलमुनियम के बर्तन की तुलना में हल्के तो एल्मोनियम से हल्का नहीं होता है कांसा एलमुनियम से भारी होता है कांसा मतलब ये भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा अब बी और सी देख लो पहले नंबर पर ऑप्शन है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई आंसर सही हो जाएगा ये बात समझ में आएगी नहीं तो हमने कांसे की कहानी सुनाई इस कहानी को याद रखना तो ये हमेशा क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल गलत नहीं होगा बी और सी इसका आंसर सही होगा क्लियर हो गया भाई बताओ बड़ा बड़ा बताओ अब आगे आ गया गांधी धाम कौन आ गया भाई गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी ये हम बता चुके हैं आप लोगों को कई और बता चुके हैं ये तो गांधीधाम गुजरात से चल रहा है और कहां जाना उसे मध्य प्रदेश जाना है अब मैप तुम्हें याद हो तो ये आसानी से आंसर कर सकते हो देखो तो यहां पर हम छोटा सा मैप बना के दिखा देते हैं आपको तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी यहां पर बात आ रही कहां से शुरू कर रहा है यह है गुजरात यहां से शुरू कर रहा फिर कहाँ जाएगा मध्य प्रदेश ये इसके जस्ट बगल में लगा होता है क्या भाई एमपी ये है मध्य प्रदेश फिर उसको जाना है आंध्र मतलब ये है आंध्र प्रदेश मतलब या या तेलंगाना यहाँ पे लगा हुआ है अर्थात तो अब हैदराबाद तेलंगाना में जानते हो जब पेपर बनाता तो वो हैदराबाद में था ठीक अब यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर क्या भाई हैदराबाद है अब वो कह रहा है कि गुजरात से मध्य प्रदेश गया वो कहा गया गुजरात से मध्य प्रदेश गया अब गुजरात ये है और मध्य प्रदेश ये है तो किधर जा रहा है वो तो दिशा के हिसाब से कौन सी दिशा है पश्चिम है और फिर उसको हैदराबाद जाना था तो किधर गया दक्षिण है तो पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा अर्थात पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा क्लियर हो गया भाई तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल ये टेंशन नहीं है मैप हमने काफी सही तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे समझाया था कैसे आप इसका आंसर निकालोगे ठीक चलो अगला पॉइंट देखते हैं भाई तो यह भी आसान है लिखा है किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल एक सेंटीमीटर मीटर बराबर 110 मीटर यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये कुछ नहीं है एक एक नियम है आसानी से आप लोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है एक बराबर एक सौ दस लिखा हुआ है तो यहाँ पर सीधे निकाल देना है कि पंद्रह बराबर कितना हो जाएगा तो एक सौ दस गुणे पंद्रह हो जाएगा अब इन्होंने नीचे ऑप्शन देखिए कुछ मीटर में रखे हैं और कुछ किलोमीटर में रखे हैं बात समा गई तो ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ आसानी से आप बता सकते हो कि यहाँ लिखा है एक सौ दस और यहाँ एक लिखा है क्या भाई पंद्रह अब इसको यदि मान लो क्लियर करना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना यदि ये सब मिल जाए तो ठीक आ ना ही मिले तो ये सही होगा कैसे तो इसको वन थाउजेंड से क्या कर देना भाई डिवाइड कर देना एक हजार से जैसे ही एक हजार से डिवाइड करोगे तो मैं भाई मिल जाएगी इतनी बात सुनवाई कि नहीं सबको तो ये मैथ का है सीधा सीधा क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं क्लियर हो गया तो ये जैसे करोगे तो भाई आंसर तुम्हें मिल जाएगा एक हजार से डिवाइड कर देना सीधे सीधे तुम्हें मिल जाएगा किलोमीटर इतनी बात सुनने आ गई तो आसान है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अलग से बताना हो माउंट एवरेस्ट एक भाग है अब यहाँ पर ये यह बहुत आसान क्वेश्चन है सब लोग जानते हो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है भाई तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका भारत का नेपाल का तिब्बत का म्यांमार का नेपाल का अब देखो यहाँ क्वेश्चन और आ सकता है आगे आगामी पेपरों में कैसे आता है तो एवरेस्ट तो एवरेस्ट है नेपाल में एवरेस्ट है नेपाल में अब वैसे तो सामान्यता आप लोग जानते हो कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है एवरेस्ट की ऊंचाई सब लोग जानते हो कि आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर है लेकिन एन में जो लिखा हुआ है वो लिखा है उन्यासी सौ नवासी सौ मीटर तो जो आप सही करोगे वहाँ जो है नवासी लिखा होगा बात नहीं एट लिखा होगा वही आपका क्या होगा सही आंसर होगा इतनी बात समझ में कि नहीं सबको तो यह आसानी से आप क्या कर सकते हो क्लियर कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है क्लियर हो गया तो ये भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है इसके अलावा पर्वतारोहियों में बछेन्द्री पाल का नाम आएगा पूछा जा सकता है बछेन्द्री पाल कहा से तो बछेन्द्री पाल है कहा भाई उत्तराखंड से भारत की पर, पहली पर्वतारोही है तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्लियर हो गया नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए यहां पर ये बात कर रहे हैं किसके ये एक जो क्या होता है भाई जो ग्रुप कैप्टन होता है आगे लिखा माउंट माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन करिए तो एक ग्रुप लीडर जो होता है तिब्बत नहीं है संजय निषाद नेपाल में है वो तिब्बत में नहीं जाता है ठीक तो अब आपको ध्यान रखना भाई कि एक ग्रुप लीडर का क्या कर्तव्य होना चाहिए तो अपने आप को ग्रुप लीडर मान लो माउंटेनियर मान लो तो बात समझ में आ जाएगी अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना यह एक ग्रुप लीडर का काम होता है मान लो को सामान नहीं उठा पा रहा है तो उसे सामान उठाने में सहयोग करो है ना उसके अलावा पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले ये यहां पर आंसर इसका गलत जाता है क्योंकि जो यहां पर डिस्क्राइब किया गया है ग्रुप के पीछे चलना ग्रुप के आगे चलने के बाद पीछे चलना क्योंकि ये माउंटेनियरिंग है माउंटेन पर चल रहा है कौन पीछे पिछड़ गया तो उसे बचाएगा कौन तो ये आपको ध्यान रखना है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना ये भी बिल्कुल गलत है उसे रुकने के लिए नहीं कह सकते हो उसे आपको क्या करना पड़ेगा सहारा देना पड़ेगा ले जाना पड़ेगा उसको ऊपर ले जाइए उसे फिर क्या है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना ये सही है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना अर्थात इसका आंसर सही होगा ए डी ई क्या सही हो जाएगा भाई ए डी ई सही हो जाएगा ये आसानी से क्लियर कर सकते क्लियर हो गया भाई ध्यान रखिएगा ग्रुप लीडर की बात हो रही है किसी को आप छोड़ नहीं सकते हो और लीडर का वो भी काम वैसे भी काम होता है किसी को छोड़ेगा नहीं तो यहाँ छोड़ने ओढ़ने वाली बात आए समझ लेना वो गलत लिख दिया कहा ग्रुप के आगे चलना देखो वैसे तो मान लो कि हम लोग जब नेतागिरी करते हैं तो नेता आगे रहता है लेकिन ये माउंटेनियरिंग की बात है माउंटेनियरिंग में यदि आगे नेता यदि वह चला जाएगा आगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा पता चले कि जो है पीछे सबले मरे पड़े वो ऊपर चढ़े पड़े है ना इसलिए इसमें पीछे जाता है इतनी बात समझ में आ गई सबको बात समझ में आ रही होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई अब इसके बाद देखिए इसके बाद सेट हो चुका है खत्म और एक तरह से देखो तो हमारा जो मामला प्रश्न डिस्कशन का था वो हो गया खत्म एक दिन और लंबी क्लास हम लेंगे दो से ढाई घंटे की या डेढ़ घंटे की इकतीस तारीख से पहले अब वो होगी टोटल रिविजन क्लास का है ना ईवीएस है ना सेंट्रल ट्रेड की आ, उसी से सारे पोर्शन आपको आसानी से मिल जाएंगे बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होगी जितने लोग मान लो, लो कि सेंट्रल ट्रेड देना चाहते हैं वो कुछ ना करें जितने हमने बैक ईयर पेपर डिस्कशन करने हैं उसको लाइन से सुन लें पेपर बैक ईयर पेपर लगा लें और फिर एक बार हम टोटल डिस्कशन कर देंगे एक बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे बिल्कुल टेंशन आपको नहीं होगी इतनी बात पहले क्लियर हो गई और शेष अभी थोड़े देर में जो लोग एन टी एन टी पी सी दे रहे हों जिनके भाई बंधु लोग दे रहे हों अभी थोड़ा देर में उसको हम शुरुआत करने वाले हैं अभी मुश्किल से पाँच मिनट में शुरू हो जाएगा और उसमें हम हिस्ट्री का पहले पोर्शन देखेंगे और फिर उसके बाद से तुरंत उसके बाद से एक घंटे थोड़ा कल्चरल पोर्शन भी हम क्या करेंगे आज पढ़ाएंगे जो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे आज और कल भी देखेंगे और संडे को लगभग लंबी क्लास पढ़ाएंगे एन टी पी सी वालों के अनुसार क्लियर रहेगा चलो आज के लिए पर्याप्त है यहाँ पर खास कर सेंड्रल को ठीक चलिए